खाकी वर्दी का सिपाही बना मासूम बच्चे का मसीहा। कर्नाटक के संकेश्वर से लखनऊ के लिए श्रमिक ट्रेन निकली, लेकिन माँ जल्दबाजी में बच्चे का दूध लेना भूल गई। दूध के लिए भूखी बच्ची को सिपाही ने अपनी जान की बाजी लगाकर दूध बच्ची की माँ तक पहुंचाया। 1200 किलोमीटर की दूर से अधिक सफर करने के बाद रोती बच्ची को आखिरकार भोपाल के स्टेशन पर सिपाही ने बच्ची को दूध दिया, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूं तो खाकी वर्दी पहनने वाला हर पुलिसकर्मी बहादुर होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहादुरी के कारनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर इंसानियत के कच्चे धागे को टूटने से बचाते हैं। बहराइच में रहने वाले एक परिवार के साथ भोपाल रेलवे पुलिस में तैनात एक सिपाही ने इंसानियत की जबरदस्त मिसाल पेश की है। कर्नाटक के संकेश्वर से लखनऊ के लिए श्रमिक ट्रेन निकली, जिसमें साफिया हाशमी जल्दबाजी में अपने मासूम बच्ची के लिए दूध लेना भूल गई। उन्हें उम्मीद थी कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकेगी और वो दूध खरीद लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन कर्नाटक से चलने के बाद एकाध स्टेशन पर रुकी, जहां पर साफिया ने स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर बच्ची के लिए दूध मांगा, लेकिन साफिया को अपनी मासूम बच्ची सैयदा के लिए कहीं भी दूध नहीं मिला। 1200 किलोमीटर से अधिक के सफर में बच्ची दूध के लिए रोती बिलखती रही। आखिरकार ट्रेन जब भोपाल स्टेशन पर रुकी तो बच्ची को रोता देख एक बार फिर साफिया ने स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों से दूध मांगा और कहा कि उसकी बच्ची भूखी है, कई घंटों से दूध नहीं पी है, जिसकी वजह से अब बहुत रो रही है। स्टेशन पर तो बहुत से पुलिसकर्मी तैनात थे, पर इन्हीं पुलिसकर्मियों के बीच एक इंदर यादव नाम का जाबाज सिपाही भी था, जिसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं दूध की व्यवस्था करता हूं। और सिपाही स्टेशन के बाहर दूध लेने चला गया। दूध लेकर स्टेशन पर पहुंचते ही सिपाही इंदर ने देखा कि ट्रेन तो चल चुकी है और रफ्तार भी पकड़ चुकी है। ये देखते ही इंदर ने एक हाथ में अपनी राइफल को संभाला और एक हाथ में बच्ची का दूध का पैकेट लेकर सरपट दौड़ लगा दी, और काफी देर तक तेज रफ्तार में दौड़ने के बाद आखिरकार साफिया के डिब्बे तक पहुंच गया और चलती ट्रेन में दूध बच्ची की माँ को दे दिया। सिपाही इंदर यादव ने खुद की जान की परवाह न कर वो कारनामा कर दिखाया जो शायद हम आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। गौर से देखिए इस सीसीटीवी के स्क्रीन पर, जब एक सिपाही हाथ में दूध लेकर काफी तेज दौड़ लगा रहा है और ट्रेन स्टेशन छोड़ने को बेताब है, इसके बावजूद इस सिपाही ने हार नहीं मानी और नन्ही सी भूखी बच्ची को दूध पहुंचाकर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है। अब साफिया अपनी बच्ची सैयदा को लेकर बहराइच पहुंच चुकी हैं, लेकिन उस पल को याद कर वो बार बार कहती है कि इंदर यादव सिपाही नहीं मसीहा हैं। साफिया का पूरा परिवार इस सिपाही के कारनामे को बार बार सलाम कर रहा है। मेरा नाम साफिया हाशमी, मेरे हस्बैंड का नाम हसीब हाशमी है, मेरी बेटी का नाम सैयदा हाशमी है। क्या हुआ, जो आप कहाँ से आ रही थी? जी हम कर्नाटक में रहते थे, हम संकेश्वर से जा रहे थे, कर्नाटक की ट्रेन पकड़ी थी उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ के लिए। कर्नाटक से हम सवार हुए थे ट्रेन में, फिर एक दिन निकल चुका था, मेरी बच्ची को कहीं दूध नहीं मिला। मैंने काफी स्टेशन पे दूध के लिए बोला कि मेरी बच्ची भूखी है, मुझे दूध दिलवा दीजिए। यहाँ तक भुसावल के स्टेशन पे पुलिस वाले से भी मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मुझे भोपाल में एक ट्रेन अचानक से रुकी, फिर मुझे मैंने देखा एक इंदर यादव जी जा रहे थे जो सिपाही हैं। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी बच्ची है 3 महीने की, उसको भूख लगी है, दूध का इंतज़ाम करवा दीजिए। तो उन्होंने फौरन किसी को फ़ोन किया दूध के लिए। जब तक कि दूध आता ट्रेन मेरी छूट चुकी थी, फिर भी उन्होंने दौड़कर मुझे दूध पकड़ाया था। मुझे एक पल के लिए लगा कि लगता है मेरी बच्ची को दूध नसीब नहीं होगा, फिर भी उन्होंने बेचारे ने दौड़कर मेरी मदद की। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची ने रात भर वही दूध पिया, लखनऊ आने तक वही दूध पिया उसने। तो मैं इंदर यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं उनसे यही अपील करूँगी कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए ताकि वो जनता के लिए कुछ अच्छा कर सके, हमेशा जनता की सेवा में हाजिर रहे।